लेकिन इस बीच ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उसे एक बड़ा झटका दे डाला है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान को मिसाइल देने का ऐलान 57 मुस्लिम देशों के सामने OIC की बैठक में किया है। इसके बाद पाकिस्तान की खूब तारीफ भी हुई थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उसकी ईरान को शाहीन 3 देने की कोई योजना नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से डरता रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या मिसाइल प्रोग्राम है, दिस इज नॉट फॉर हायर। ये कोई ये तो नहीं है कि बंदा आए जी दो एक अरब डॉलर दें और मिसाइल ले जाए, 500 मिलियन डॉलर दें मोबाइल ले जाए, कोई मिसाइल तो नहीं, ऐसे तो नहीं थोड़ी मिसाइल देता है। कि अगर इसराइल पर अटैक करता है ईरान, तो यहाँ पर पाकिस्तान और बाकी के इस्लामिक नेशंस भी ईरान की हेल्प करेंगे। इसीलिए ईरान ने जोश में कह दिया कि हम इसराइल के ऊपर ऑल आउट वॉर जाएंगे और इसराइल को मिटा के रख देंगे, और तमाम बातें उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने कर दी थी उस जोश में। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी जोश में कह दिया था कि हम भी मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप जो मर्जी आए कर लें, ये मजबूरी होगी जैसे श्रीलंका की है कि आपको जब आपका तकलीफ वाले दिन आते हैं तो आप वापस इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो वापस पाकिस्तान के पास नहीं गए, वो वापस चाइना के पास नहीं गए। कोई मालदीव्स ले लीजिए, चलिए मालदीव्स भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल शाहीन मिसाइल जो है वो ईरान को दे रहा है। कोई भी तरीके का वेपन या हम किसी भी तरीके का मिसाइल ईरान को प्रोवाइड करने वाले हैं, उन्होंने साफ इस चीज़ से मना कर दिया कि हमारा ऐसा कोई भी प्लान है ही नहीं कि हम किसी भी तरीके का यहाँ पर मिसाइल उनको प्रोवाइड करेंगे। माजी में भी हमें ये कहा गया कि ये हमारी अखबारों में भी लिखा गया, पाकिस्तान की किताबों में भी लिखा गया, और पॉलिटिशियंस ने भी ये कहा कि इंडिया और इसराइल जो है दे वॉन्टेड टू अटैक पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इसराइल को जिम्मेदार कहते हुए बदला लेने की कसम खाई है। इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, वही ईरान को पाकिस्तान की ओर से सैन्य मदद मिलने जा रही है। यरूशलेम पोस्ट के सूत्रों से हवाले से दावा किया गया है कि अगर ईरान का अगर इसराइल के साथ संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान उसे मीडियम रेंज की शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की आपूर्ति करेगा। OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी दी गई है। OIC की ये आपातकालीन बैठक ईरान और पाकिस्तान के अनुरोध पर सऊदी अरब में हुई है। वहीं दूसरी तरफ पाक मीडिया में बैठे पाकिस्तान के एक्सपर्ट जिनका नाम सैयद फैजल है, उसने सीधे अमेरिका को धमकी लगा दी है कि पाकिस्तान ने 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बना लिया है, अगर अमेरिका ने अब एक भी पाकिस्तानी को मारा तो वो वाशिंगटन DC को बर्बाद कर देगा। साथ ही ये भी कहा कि इसराइल को पाकिस्तान अब बर्बाद कर देगा, इस दुनिया से मिटा देगा। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आजकल एक बात चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल शाहीन मिसाइल जो है वो ईरान को दे रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई शाहीन मिसाइल ईरान को दे रहा है ताकि वो इसराइल पे जो है वो हमले कर सकें? आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन पहले, इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक विंग के हेड थे, उनको इसराइल ने ईरान की IRGC के कंपाउंड के अंदर कत्ल कर दिया। और उस कंपाउंड के अंदर आपको पता है उनके रूम के अंदर बॉम्ब लगा हुआ था जिसका किसी को पता ही नहीं चला। वहां पे IRGC ईरानी फोर्स को भी, इंटेलिजेंस को भी पता नहीं चला। तो लोगों ने अब बड़े क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिए हैं कि ये कैसी IRGC है कि इसको पता ही नहीं है, ये कैसी फौज आ गई उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हमास जो कि इसराइल से लड़ रही है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये बेसिकली एक इसराइल की अखबार है यरूशलम पोस्ट, ये उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो ये दे सकता है। इसका मतलब ये है कि ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उसके मिसाइल इतनी दूर जा सकते हैं। इसको इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। पहले ज्यादा कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। ये बॉम्ब तो कोई ये नहीं कहता हमारा हिंदू बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारे पास ज्यूज बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारा जो बॉम्ब है वो क्रिश्चियन बॉम्ब है। तो ये पाकिस्तान के बॉम्ब को क्यों इस्लामिक बॉम्ब कहना शुरू कर दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात सिंपल सी है कि माजी में मुझे याद है कि आप 70-80 की दहाई में चले जाएं, 60s 50s पे चले जाएं,
तो उस वक्त ये हुआ करता था कि जो हमारे जो इस्लामी जमातें होती थी वो हुकूमत पर बड़ा प्रेशराइज करती थी, और वह हुकूमत को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करती थी कि हुकूमत जो है उसको वो कहती थी कि तुम लोग जो है इज़राइल को अपनी डिफेंस पॉलिसी में लेके आओ। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी के एक प्रोफेसर खुर्शीद हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर वेपन है जो अपनी दफाई पॉलिसी है उसमें इज़राइल को शामिल करना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सड़कों के ऊपर जो मेयरमेंट्स लिखी होती हैं कि फलां शहर कितना दूर है, फलां शहर कितना दूर है, तो यरूशलेम के बारे में भी लिखा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत था, इस्लामी रियासत के नाम इस्लाम के नाम से बना था, तो वो एक सारी की सारी जो माइंडसेट है वो अलीट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फौज के अंदर, सियासतदानों के अंदर था उस वक्त, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती गई। बहरहाल पाकिस्तान जो है, ऐसी जरी बात है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या मिज़ाइल प्रोग्राम है, दिस इज़ नॉट फॉर हायर, ये कोई ये तो नहीं है कि बंदा आए जी दो एक अरब डॉलर दें और मिज़ाइल ले जाएँ, 500 मिलियन डॉलर दें मोबाइल ले जाएँ, कोई मिज़ाइल तो नहीं, ऐसे तो नहीं थोड़ी मिज़ाइल देता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इज़राइल से डरता रहा है, पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इज़राइल से इस तरह डरता रहा है कि माजी में भी हमें ये कहा गया कि ये हमारी अखबारों में भी लिखा गया, पाकिस्तान की किताबों में भी लिखा गया, और पॉलिटिशियंस ने भी ये कहा कि इंडिया और इज़राइल जो हैं दे वांटेड टू अटैक पाकिस्तान्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ये बात 90s की है, ठीक है जी, और कि अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले कर दें तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। सो यरूशलेम पोस्ट जो है उसने अभी ये खबर दी कि ये जो पाकिस्तान है वो इसराइल को ये ईरान को ये देगा, ईरान फिर ये कोई 2800 किलोमीटर तक 2800 किलोमीटर तक ये मिसाइल जो है वो जा सकता है, जबकि आपको पता है कि OIC जो है वो पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था तो OIC तो हिली भी नहीं थी, हम तो OIC को रिक्वेस्ट करते रहे कि खुदारा एक सेशन ही कर दो कश्मीर के ऊपर, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी साहब को नाराज करने के लिए तैयार नहीं था, कोई मुल्क नरेंद्र मोदी को तैयार नाराज नहीं करना चाहता था, कोई मुल्क डॉक्टर जयशंकर को तैयार नहीं, मुसलमान मुल्कों में छोड़े बाकियों में मुसलमान मुल्क, तब से तो पाकिस्तानियों का OIC से ईमान ही उठ गया कि ये किसी काम की नहीं है, एक बात। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है, ये ज़रूर ठीक है कि पाकिस्तान का जो मिज़ाइल सिस्टम है वो इंडिया को जो है वो हिट करने के लिए, मतलब हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया का जो आखिरी जो कोना है उधर भी साउथ तक जाने की सलाहियत रखता है, और इर्द गिर्द भी जहां पे पाकिस्तान चाहे वो अटैक कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया को रखा है, किसी और को नहीं रखा।